So boys and girls and all Rasgullas and Rasgullis, welcome back to the share capital chapter. All right. इतना प्यारा टॉपिक है, धीरे धीरे हमने इसके शॉर्टकट्स बनाए. मुझे बस चर्चा कीजिए, रिवीजन के तौर पर चर्चा कीजिए सरकार आप भी, कि यार ये शेयर कैपिटल किसको फॉलो करता है, फेस वैल्यू. और वर्डिंग क्या है, अलॉटेड या इश्यूड? पक्का? तो मेरे रसगुल्ले बराबर बता रहे, अलॉटेड इनटू फेस वैल्यू. कुछ नहीं बोला है तो एसपी कहां घुसकर बैठता है, अलॉटमेंट में. अच्छा, दूसरा मुझे एक बात बताओ, एप्लीकेशन ये अकाउंट किसको फॉलो करता है, अप्लाइड या अलॉटेड? अप्लाइड. तो इसकी पहली एंट्री अप्लाइड पर होती है, एग्रीड. अगर कुछ एक्स्ट्रा पैसा आ गया तो हम क्या कर देते हैं, रिफंड. से यस. अच्छा मुझे एक बात बताओ, तीसरा शॉर्टकट कल मैंने आपको बताया था, यदि पैसा नहीं मिला तो कहां डाल दे, कॉल इन एरियर्स. सो बैंक अकाउंट किसको फॉलो करता है, पहले तो आईपी, अलॉटेड इनटू आईपी, वेरी गुड. अगर मान लो कुछ पैसा नहीं आया तो क्या करेंगे, माइनस. कल याद आ रहा है क्या, राम प्रसाद यादव और कौन था, मिसेस चंदा, इन दोनों नलायकों ने पैसे नहीं दिए थे तो हमने क्या किया था, माइनस. आज मेरे रसगुल्ले बच्चों को समझाना है क्या, प्रो, क्या क्या, प्रो रेटा अलॉटमेंट. बट बिफोर आई गो फर्दर टू मेक यू हेल्प एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रो रेटा अलॉटमेंट, आई वुड एक्सपेक्ट एन आंसर फ्रॉम यू पीपल, व्हाट डू यू मीन बाय प्रो रेटा अलॉटमेंट. आपको क्या लगता है प्रो रेटा अलॉटमेंट क्या होता है, क्या लगता है? यस, आवाज नहीं है बेटा. प्रोपोर्शनेट इज यस टू एन एक्सटेंट राइट. In case of oversubscription, allotting the shares proportionate, in proportion, okay? All right. So shall I discuss what is pro rata allotment? So for pro rata allotment, let me explain you that there should be what? Oversubscription. ठीक है, देर शुड बी वॉट, ओवर सब्सक्रिप्शन. पहली बात, ओवर सब्सक्रिप्शन होना ही चाहिए, बिना ओवर सब्सक्रिप्शन के प्रोरेटा अलॉटमेंट नहीं हो सकता. मेरी बात फर्स्ट समझ में आ रही है? अब आपको एक थोड़ा सा सीएस बनना पड़ेगा, मतलब यू आर क्वालिफाइड सीएस, बन जाओ. और मैं आपको कह रहा हूं कि आपको बीओडी के साथ में आप बैठे हो, किसके साथ बैठे हो, बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ बैठे हुए हो. इतना ज्यादा प्रॉब्लम तो कभी था नहीं. हाँ, तुम बीओडी के साथ बैठे हो, बीओडी ने कहा कि हमने इश्यू किया है 10 लाख, एप्लीकेशन रिसीव्ड 24 लाख. तो जाहिर सी बात है, तुमको यह पता चल गया है कि हम 10 लाख एप्लीकेशन को ही क्या दे सकते हैं, शेयर्स, एग्रीड. अब ये केस स्टडी मैंने आपके सामने प्रेजेंट की है, एक केस स्टडी मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, जिस केस स्टडी में मैंने आपसे प्रश्न क्या पूछा है, ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है. मुझे आंसर ऐसे मत देना, कैसे, कि सर डायरेक्टली क्या कर दीजिए, 10 लाख को अलॉट कर दीजिए. नहीं, तुम सीएस हो, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं. 24 लाख एप्लीकेशन मतलब कई सारे अलग अलग लोगों से आई होगी, कई सारे अलग अलग लोगों से आई होगी. अगर कई सारे अलग अलग लोगों से आई होगी तो इनको शेयर कैसे अलॉट करोगे, इसके बारे में मुझे छोटा सा एक केस स्टडी राइट अप कर दीजिए. हर एक बच्चा अपने आप खुद करेगा, आपके दिमाग में जो भी आ रहा है एक केस स्टडी राइट अप कर दीजिए. ध्यान रहे, आपको सिर्फ ये शब्द नहीं लिखने हैं, क्या, कि 24 लाख शेयर्स में से 10 लाख को दे दो, ये नहीं बोलना है, सिर्फ आपको ये समझाना है मुझे, आपको मुझे बताना है कैसे. तो आपके दिमाग में जो भी प्लान आ रहा है, थोड़ा सा डेप्थ में जाना और सोचना. मान लो तुमको आंसर नहीं भी आया, मगर ये थोड़ी सी देर की, एक 2 मिनट की सोच, 3 मिनट की सोच, अगर आप केस स्टडी लिखेंगे तो प्रो रेटा का रेशा रेशा क्लियर कर देगी. तो मैं चाहता हूं कि आप छोटा सा केस स्टडी राइट अप कर दे मुझे कि कैसे अलॉट करेंगे, और जो मुझे केस स्टडी का सबसे अच्छा राइट अप करेगा. शेट, भाई को नहीं पैसे काट लेना,
तो 100 रुपए उधार रहेंगे आपके ऊपर, जो जीतेगा उसको 100 रुपए मिलेंगे। एक छोटा सा 3 मिनट आपका समय है आपके पास अभी, एक केस स्टडी राइटअप कर कर दीजिए, और जिस बंदे का सबसे अच्छा केस स्टडी राइटअप होगा आई विल गिव हिम 100 रुपीज। बढ़िया, सोचना जरूरी है तभी प्रो रेटा समझ में आएगा कि प्रो रेटा पूरा प्रैक्टिकल कंसेप्ट है। ठीक है छोरी, 3 मिनट है तेरे पास, ये 3 मिनट तुमसे कोई नहीं छीन सकता। आज मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है, जियो अपनी जिंदगी। और बिना अगर 4 लाइन लिखे आ गया तो याद रख लेना छोरे, लिख 4 लाइन कम से कम लिखोगे, और ये लाइन नहीं लिखोगे। कौन सी लाइन नहीं लिखोगे? कि 10 लाख शेयर्स अलॉट होंगे, ये लाइन छोड़कर जो लिखना है लिखो। तुम क्या 10 लाख देने, मुझे भी समझ में आ रहा है। अब ये सीएस फाउंडेशन का बच्चा भी बोलता है, समझ आ रही ना बात में क्या कह रहा हूं? सो 24 लाख को 10 लाख देंगे, मेरे को भी समझ में आ रहा है। मुझे और कुछ डिटेल्ड केस स्टडी राइटअप चाहिए आपसे, 4 लाइनों का कम से कम। सोचो आप सीएस और 4 लाइन नहीं लिख सकते क्या? 4 लाइन लिखे कैसे करोगे? दैट्स इट। ये मेरे प्यारे प्यारे सीएस के बच्चे अब रेडी कर कर बैठ चुके हैं ऐसा अज्यूम करता हूं। क्या स्टोरी ये छोरी बताएगी मुझे? यस छोरी बता। छोरी नहीं बताऊंगी कह रही है। मैंने कहा 4 लाइन लिखनी है इसके ऊपर। यस तुम बताओ। नहीं 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 एक दो मिनट, दो मिनट सर गलती हो गई, मेरे को जो कंसेप्ट था वो हो रहा है। हाँ छोरी तू बता। हाँ वेरी गुड। देखो आपको मैं यही बता रहा हूँ कि जब तक आप इसको डेप्थ में नहीं समझोगे तब तक ये नहीं समझेगा। मेजॉरिटी लोग क्या बोल रहे हैं, क्या लिखना है मुझे नहीं समझा। इतने लोग जरूर बोल रहे हैं 24 लाख को 10 लाख मिलेंगे, ये बात समझ आ रही है, मगर कैसे मिलेंगे मैं पूछ रहा हूँ तो मुझे आंसर नहीं आ रहा। बट लेट्स सी, किसी को तो आया होगा। एक दो मिनट, दो मिनट, दो मिनट, दो मिनट, दो मिनट, दो मिनट, दो मिनट। यस छोरी तू बता। हाँ उनको जिन्होंने 12 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा, ओके ऐसा कुछ है तो ये थोड़ा बहुत मुझे लॉजिक मिला। यस सर ओके आई गॉट यू आंसर सर। यस मैम
ओके यू आर राइट, मतलब कुल मिलाकर सब बच्चे जो मुझे अभी तक आंसर मिल रहे हो वो ऐसे मिल रहे हैं कि सर अगर 24 लाख्स है तो 24 लाख्स में से हम बाइफरकेट करेंगे कि ग्रुप में कि किसने कितने कितने अप्लाई किए हैं, उसके लिए एक रेशियो डिसाइड करेंगे और रेशियो में शेयर्स दे देंगे, यही चर्चा कर रहे हो। आपका कोई और आंसर? ओके लवली 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 लवली। सो आप मेरी बात सुनिए, इस बच्चे का आंसर काफी अच्छा। हाँ तुम आंसर देना चाहते हो बोलो। लवली लवली लवली। सो सो आई थिंक ही हैज गिवन मी मोर एलोबरेट आंसर। बोल। You cannot decide? Okay, so now listen to me carefully. अब मुझे शुरू करने दो। क्या होगा? दो तीन तरीके हैं इसके। जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो दो तीन तरीके हैं। दो तीन तरीकों में से कौन सा तरीका सिलेक्ट करना है ये पूरा का पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में है। एक तरीका क्या होगा, जितने भी लोगों ने एप्लीकेशन किए है वो एप्लीकेशन का डब्बा, मान लो ऐसा फील करो डब्बा रख दिया जाएगा और एक हीरोइन चलती आएगी, दिख रही है ठुमक ठुमक के चलती आ रही है और वो ड्रॉ ऑफ लॉट से निकालेगी, ड्रॉ ऑफ लॉट से पता चलता है तुम्हें। तो एक तरीका होगा इनमें से ड्रॉ ऑफ लॉट्स। ड्रॉ ऑफ लॉट्स मतलब क्या है, सीधी सी बात है, शेयर्स आए हुए उसमें से क्लासिफाई करके रखते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इतने हैं, राइट, रिटेल इन्वेस्टर इतने हैं, कॉर्पोरेट इन्वेस्टर इतने हैं, बड़े इन्वेस्टर इतने हैं। तो अब क्या किया जाता है, तीन डब्बे बने हुए मान लो, अब बोला हुआ है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को कम से कम 4 या 40% शेयर उनको दिए जाएंगे, 50% शेयर मान लेते हैं रिटेल इन्वेस्टर को दिए जाएंगे और बचे हुए 10% शेयर्स मान लो एम्प्लॉयज को दिए जाते हैं, ऐसा कुछ भी दिमाग में आ सकता है। अब होता क्या है कि जब शेयर्स अलॉट करने हैं तो जिन जिन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के शेयर आए थे वो एक बक्से में, दूसरे आए थे वो दूसरे बक्से में और तीसरे आए थे वो तीसरे बक्से में, एग्रीड छोकरी? अब क्या होता है ड्रॉ ऑफ लॉट्स में, एक आता है कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या व्हाटएवर बाय कंप्यूटराइज्ड सिस्टम, दे सिलेक्टेड रैंडमली ड्रॉ ऑफ लॉट्स। सो वन इज यू कैन सिलेक्ट रैंडमली, जब 10 लाख हो जाएंगे तो बस बात खत्म, उनको शेयर्स अलॉट हो गए और बाकी के शेयर्स क्या हो गए, रिजेक्ट। So one is what? Draw of lots. Some are allotted, remaining are rejected. Okay? तो यहां पर क्या, some are allotted randomly और बाकी का क्या कहेंगे, rejected. ये तरीका समझ में है? इसका और एक तरीका हो सकता है बेटा, इसका और एक तरीका हो सकता है। Draw of lots की जरूरत नहीं है, आप क्या करेंगे, जितने भी लोगों ने अपने ऊपर भरोसा दिखाया है सबको कुछ ना कुछ देंगे। तो उस केस में क्या होता है, कोई रेशियो में दिया जाता है। जैसे मान लेते इस छोरी को पूछता हूं मैं, छोरी इस शेयर्स में तूने कुछ शेयर्स अप्लाई किए थे, कितने अप्लाई किए आपने? कितने? 500 शेयर अप्लाई किए थे छोरी ने। 5 कोई बोलता है क्या, लोग एड़ा बोलते हैं, थोड़ा सा बड़ा ड्रीम करने। कितने अप्लाई किए थे? 500। छोरी तूने कितने किए थे? ये छोरी ने किए 1000। और इतने कितने किए? 1500। छोरा गरीब तू? अच्छा ये भी छोरा तेज है, 3000। अब समझ में आ गया? अब बेटा ये छोरी वन ने किया, ये छोरी टू, ये छोरी थ्री और ये छोरे ने किया। हाँ छोरे दोनों के मिलाकर उसके हो गए ना भाई, तो क्यों टेंशन ले रहे छोरा भाई, तीन पे भारी पड़े हैं, है ना। सुन अपना प्यारा सा छोरा है, सुनो 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 सुनो, तो बात क्या चल रही है। तो भाई 3000 किए, 500 किए, 1000 किए, 1500। अब इनमें से कंपनी अपना दिमाग लगाकर कहेगी कि जो इन्होंने अप्लाई किए इनको तो करो पहले रिजेक्ट, बोल सकती है, आई डोंट नो, इनको बोल सकती क्या, रिजेक्ट। रिजेक्ट मतलब इनको एक भी शेयर नहीं मिलेगा, आई एम सॉरी, अ रिग्रेट लेटर इज सेंट। ओके,
और बाकी के जिन्होंने अप्लाई किए उनको कहे कि तुमने 1500 किए तुमको आधे मिलेंगे, 1500 किए तुमको क्या मिलेंगे आधे, आधे मतलब इसको मिलेंगे 750 और इसको मिलेंगे कितने 1500। उल्टा भी हो सकता है, जिन्होंने 3000 किए थे 500 किए थे 1000 किए थे और 1500 किए थे, अग्रीड, इनको कहे भाई तू घर जा नहीं देते तेरे को कुछ, रिजेक्टेड। और इनको क्या हो गया फुल अलॉटमेंट, जो करना है कर सकती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के दिमाग में जो आए उस तरीके से वो शेयर्स अलॉट कर सकती है। कुल मिलाकर बात क्या चल रही, जो शेयर की एप्लीकेशन आई है उन एप्लीकेशन को सेपरेट किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, ग्रुप में फिट किया जाता है। ग्रुप में मतलब जिन्होंने 1000 शेयर तक अप्लाई किए ऐसे इतने लोग हैं, जिन्होंने 1000 से लेकर 4000 तक अप्लाई किए ऐसे इतने लोग हैं, जिन्होंने 4000 से लेकर 10000 अप्लाई किए थे ऐसे इतने लोग हैं। आपको समझ आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूं, क्लासिफाई किए जाते। फिर आप बोल सकते हो कि जिन्होंने 1000 के नीचे अप्लाई किए थे उन्हें एक भी शेयर नहीं मिलेगा, जिन्होंने 1000 से लेकर 4000 तक किए उनको आधे शेयर मिलेंगे, और जिन्होंने 4000 से लेकर 10000 तक किए होंगे उनको अराउंड जितने भी उन्होंने अप्लाई किए उसके 60% मिलेंगे या 40% मिलेंगे या 30% मिलेंगे, जो भी कुछ रूल होगा वो। क्या आपको मेरी बात समझ आती है? लवली, अगर इतनी सी बात समझ में आ गई है आपकी तो आप मेरी अगली चर्चा ध्यान से सुनिए, होता क्या है बेटा। अगर इस व्यक्ति ने मान लेते हैं इधर अप्लाई कितने किए थे बेटा, इसने 3000, इसको अलॉट कितने हो गए 1500, और इसने अप्लाई किए 1500, इसको मिले कितने 750, इन्होंने 500 और 1000 मिले कितने जीरो। मान लो एप्लीकेशन का पैसा था 6 रुपए, एप्लीकेशन का पैसा था 6 रुपए, तो ये पैसा रिफंड करना पड़ेगा कि नहीं? यस, ये पैसा आपको क्या करना पड़ेगा रिफंड, अगर इसमें किसी को डाउट है तो मुझे बता दो, एग्रीड। तो देखो कंपनी कैसे बोलेगी, टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड वर 6000, टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड वर 6000, मेरा बच्चा पूछेगा 6000 कहां से है, 3000, 500, 1000, 1500, व्हाट इज द टोटल, कैन आई गेट द फिगर 6000, 6000 में से हमने कहा 3000 एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड, एग्रीड। फिर वो बोलेंगे द रिमेनिंग एप्लीकेंट वर अलॉटेड शेयर्स ऑन प्रो रेटा बेसिस, रिमेनिंग एप्लीकेंट वर अलॉटेड शेयर्स ऑन विच बेसिस प्रो रेटा बेसिस, दैट इज टू से फॉर एवरी टू शेयर अप्लाइड दे विल गेट वन, फॉर एवरी टू शेयर अप्लाइड दे विल गेट हाउ मच वन। नाउ इतना भी समझ में आया, एक मिलेगा उनको। अब लुक एट द ब्यूटी बेटा जी, इससे कितने रुपए आए होंगे एट द रेट ऑफ 6, और इससे कितने रुपए आएंगे थे एट द रेट ऑफ 6, सरप्लस कितना है, सरप्लस कितना है, सो कैन आई से सरप्लस यहां पर 1500 एप्लीकेशन इंटू रुपीज 6, इधर सरप्लस कितना है, कैन आई से 750 एप्लीकेशन इंटू रुपीज 6। लेट मी एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, राम ने 2000 एप्लीकेशन किए, उसको मिले एट द रेट ऑफ रुपीज 4 एप्लीकेशन मनी, उसको मिले अलॉटेड टू राम इज 1500 शेयर्स, एग्रीड। अब मुझे बताओ सरप्लस कितना हुआ, सरप्लस कितना हुआ 500, एग्रीड, सरप्लस 500 हुआ। सो क्या मैं कह सकता हूं कि 500 इंटू रुपीज 4 इज सरप्लस मनी हाउ मच 2000, ये किसको समझ नहीं आता हाथ ऊपर करो, क्या बड़ी बात की मैंने, रुपए सरप्लस कितने 500 और एप्लीकेशन का पैसा कितना है 4 रुपए, तो कितना एक्सेस पैसा है 2000 रुपए, किसको डाउट है हाथ खड़ा कर दे, डाउट, डाउट नहीं, यस हाँ, अच्छा रिटर्न होगा कि नहीं होगा मैंने नहीं बताया, मैंने पूछा सरप्लस कितना, ये समझ आएगा, मैंने रिटर्न की बात की नहीं, आप आगे नहीं जाओ, सरप्लस समझ में आ रहा है। तो एक और चर्चा करते देख लेते, किसी एक व्यक्ति ने 10000 शेयर अप्लाई किए थे, इसका नाम है मिसेस चांडक, मिसेस चांडक ने कितने अप्लाई किए थे बेटा जी 10000, उनको अलॉट हो गए, अलॉटेड
4000, इसकी एप्लीकेशन मनी थी ₹6, तो मुझे बताओ सरप्लस पैसा कितना है? 6000 × 6, एग्रीड और नॉट? 6000 × 6, सरप्लस निकाल सकता है मेरा बच्चा एकदम आसानी से? ओके, अब देखते हैं, मैं आपको पूरा ब्रेकअप देता हूं। एप्लीकेशन का था ₹6, अलॉटमेंट का था ₹4, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं कि ऐसे ही ₹10 का था इश्यूड एट पार। राजेश भाई से 25,000 एप्लीकेशन आई, ठीक है, और इनको अलॉट हुए कितने, मान लेते हैं 20,000 शेयर्स अलॉटेड। सरप्लस कितना है मेरे भाई? 5,000। सो 5,000 × ₹6, मतलब सरप्लस पैसा कितना रहेगा? इसका शॉर्टकट क्या हुआ? सरप्लस क्वांटिटी इनटू ऐप मनी, तो कितना पैसा एक्स्ट्रा रहा? कैन आई से 30,000? ओके, जाहिर सी बात है कि ये पैसा कंपनी के पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, कंपनी ने ये पैसा रिफंड करना चाहिए, ऐसा मान के चलिए थोड़ी देर के लिए। कंपनी ये पैसे को क्या करेगी? रिफंड, क्योंकि ये शेयर्स उन्होंने अलॉट नहीं किए, तो ये पैसा उनको रिफंड करना चाहिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, चर्चा ध्यान से सुनिए, सुनिए प्यार से बेटा। कंपनी ने कहा कि ₹6 तुम्हारे, हमारे पास 5,000 एप्लीकेशन के एक्स्ट्रा पड़े। कंपनी और एक बातचीत कर रही है। कंपनी क्या बातचीत कर रही है? कंपनी ये कह रही है कि सरकार 20,000 शेयर आपको अलॉट हुए, से यस, 20,000 शेयर आपको अलॉट हुए, इन 20,000 शेयर पर आपसे ₹4 आना बाकी है। क्या आपको मेरी बात समझ आती है? क्योंकि अलॉटमेंट मनी तो मंगाना पड़ेगा ना, क्योंकि उनका सिर्फ कौन सा पैसा आया था? एप्लीकेशन। तो कितना पैसा आ गया? 80,000 इज रिसीवेबल, एग्रीड। अब जरा सोचो, ये दोनों ट्रांजेक्शन क्या एक ही दिन हो रही है क्या? कैसे एक दिन? देखो, मैंने एप्लीकेशन में से सर को बोला कि आपके अलॉट हुए 20,000, इसका मतलब उसी दिन पता चल गया सरप्लस कितना था, 5,000, 5,000 × 6, 30,000 इज माई सरप्लस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस बॉयज एंड गर्ल्स, अब जरा सोचो, उसी दिन नोटिस भी भेजी जाएगी, ऑन द सेम डे नोटिस भेजी जाएगी, सर वी हैव अलॉटेड यू 20,000 शेयर्स एंड द मनी ड्यू फ्रॉम यू इज 20,000 × 4, 80,000। अब जरा मुझे एक बात बताओ, कौन सा बेवकूफ इंसान ₹80,000 भेज देगा? वो क्या बोलेगा? आपके पास ₹30,000 पड़े हैं और मुझसे आपको 80,000 आने हैं, तो लेटर में ही ऐसा लिखा रहेगा क्या, 80,000 इज रिसीवेबल लेस एडजस्टेड 30,000, काइंडली सेंट द बैलेंस अमाउंट, हाउ मच? 50,000। सो द मीनिंग ऑफ प्रोरेटा अलॉटमेंट इज व्हाट? इट इज एन एक्सेस मनी, सॉरी, द मीनिंग ऑफ प्रोरेटा अलॉटमेंट इज अलॉटिंग द शेयर इन अ रेशियो, दैट इज द ओनली मीनिंग ऑफ प्रोरेटा। बट वेन यू आर डूइंग अ प्रोरेटा अलॉटमेंट, जनरली देर आर सरप्लस शेयर। क्या होता है छोरी? सरप्लस शेयर। मगर बेटा जी, जैसे सरप्लस शेयर होते हैं ना, तो सरप्लस शेयर का पैसा कहां पर एडजस्ट किया जाता है? अलॉटमेंट, ठीक है। अब जरा सुनो मेरी बात अगली। कंपनी तुमसे पैसा मंगाने वाली थी अलॉटमेंट का 10/1/2016 को, अलॉटमेंट का मान लो फर्स्ट कॉल का मंगाने वाली थी 10/10/2016 को, और फाइनल कॉल मंगाने वाली थी 15/1/2017 को, ऐसा कुछ होगा उनका रूल। ये ब्रेकअप है, डेट इन दिन पैसा मंगाने वाली थी, ठीक है, सुन रहे तू छोरा ग्रीन? मैं तुझसे कहूंगा कि सर इधर ₹10 देने हैं आपको, इधर 12 देने हैं और इधर 18 देने हैं, तो कितने हो गए? 40। मैं कहूंगा कि सर क्यों 3 इंस्टॉलमेंट में दे रहे हो, येड़े हो गए आप, एक ही दिन में दे दो इधर। तो बोलेगा येड़ा मैं नहीं, तू है बे साले, क्यों दूं? तेरे को बोलूंगा दे देगा? देख कंपनी क्या बोल रही है, तू एक 10/1 को देना, एक 10/10 को देना, और एक क्या 15/1 को देना, ₹40 ब्रेकअप। मैं बोलूंगा सर क्यों इतनी मगजमारी करते, एक दिन देकर खत्म करो ना सर, इस दिन चल जाएगा ना, बोलो ना हाँ।
तुमको क्लैरिटी आ रही है कि जो पैसा लेट मिलने वाला है वो पैसा आदमी कोई जल्दी नहीं देने को तैयार रहता है, और अगर जल्दी देने को तैयार है तो आपको उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। लॉजिकल क्लियर? क्या हुआ देखिए, ऐसा भी तो हो सकता है, ये छोरी ने 1 लाख शेयर अप्लाई किए, कितने? 1 लाख। अब हम लास्ट पार्ट पर है, फिर अभी आपको मैं सारी चीजें जोड़कर बता दूंगा। 1 लाख शेयर अप्लाई किए, अप्लाइड मां कसम, और अलॉटेड हुए छोरी को, मत पूछो रे भाई बहुत तकलीफ होती, 10,000। 1 लाख को कितने मिले? 10,000। एप्लीकेशन का पैसा है 10 रुपए, मान लेते हैं, चलो इधर ब्रेकअप लिखते, एप्लीकेशन में मिलना था 10, अलॉटमेंट में मिलना था 15, और फाइनल कॉल में मिलना था 15, क्या कहते हो? सही है, मैं जे कह रहा हूं सही है? अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए, सरप्लस कितनी हो गई? ओहो 90,000। पैसा कितना हो गया? एप्लीकेशन तो 90,000 हो गई, पैसा कितना हो गया? इनटू रुपीज 10, झूठ मत बोलो, तुमने कसम खाई थी वापस थोड़ी देर पहले। सरप्लस पैसा मतलब सरप्लस एप्लीकेशन इनटू ऐप मनी, कितना हो गया सरप्लस? कैन आई से 9 लाख? सरप्लस इतना है, हाँ, एप्लीकेशन में 90,000 एप्लीकेशन एक्स्ट्रा आ गई थी, उसका पैसा अभी भी हमारे पास है, 10 रुपए एप्लीकेशन का पैसा आया था, तो 9 लाख रुपए सरप्लस मनी आ रहा है। किसको समझ नहीं आ रहा है हाथ जल्दी से खड़ा कर दे, किसको समझ नहीं आ रहा है? ओह सबको समझ आ रहा है, वेरी गुड। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, वो आदमी येड़ा है क्या? उसको हम बोलेंगे कि आपके अलॉटमेंट के पैसे सर अभी आपको 9 लाख रुपए रिफंड करने, अभी और अभी के अभी आपको हमको देना भी पड़ेगा। सो बेटा जी अलॉटमेंट का पैसा कितना है? कैन आई से 10,000 इंटू रुपीज कितना? 15, कितना आ जाता? 1,50,000। अब ये एडजस्ट करोगे तो मना नहीं करेगा, ये एडजस्ट करोगे ना तो मना नहीं करेगा, बोलते कर दो, क्योंकि देखो तुम उसको 9 लाख रुपए दोगे और उससे 1.5 लाख रुपए लोगे, उससे बेहतर क्या है कि आप 1.5 लाख रुपए पहले एडजस्ट कर लो, तो कोई दरकार कोई दिक्कत नहीं आनी है, समझ में? मगर कंपनी फिर लालची हो जाती है और बोलती है अलॉटमेंट के पैसे तो रख लिए, एक काम करते फाइनल कॉल के भी रख लेते, जो आज से 6 महीने बाद मंगाने अपने को। कैन आई डू दैट? कैन आई डू दैट? बोलेगा बाबू ताऊ तू ये पैसे वापस मंगा लेना मुझसे, कंपनी को बोलेगा ना, अभी जितना मेरा इसके बाद में सरप्लस बच रहा है मुझे दे दे, यस और नो? बट अगर मैं इधर मंगाना चाहता तो कितना? 10,000 इंटू रुपीज 15, कितना आ जाएगा? 1,50,000। बेटा जी ये आप नहीं कर सकते, ये आप तब कर सकते हो जब आपको शेयर होल्डर इसकी परमिशन देता है, और तब उसको आप जाकर कहते हो कॉल्स रिसीव्ड इन एडवांस। अभी के लिए जो सरप्लस पैसा है उस सरप्लस पैसे में से आप सिर्फ अलॉटमेंट का पैसा आपके पास रख सकते हो, बाकी का पैसा आपको रिफंड करना पड़ेगा। से यस? मुझे नहीं समझा यार, क्या करना पड़ता है अगर सरप्लस निकालना पड़ता पहले, फिर उस सरप्लस का पैसा कहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं हम? अलॉटमेंट में। बाकी का पैसा क्या करना पड़ता है? रिफंड। क्या सभी के दिमाग में ये बात घुसती आराम से? कितना प्यारा रसगुल्ला बच्चा है अभी अपना। अब रसगुल्ला मेरी अगली बात सुनेगा, सुन छोरी। मैं अभी एक प्रॉब्लम लिखूंगा, अब इस प्रॉब्लम को हम डिकोड करेंगे, ये एग्जाम टाइप की एक प्रॉब्लम होगी, ठीक है? यस नूपुर, ब्लेसी नहीं नूपुर, और हे नलक का नाम क्या है? पायल, दिव्या, जिन जिन बच्चों के हाथ चेहरे पर है हाथ निकाल दिए जाए, इज दैट ओके? ये एक सपोर्टिंग स्टैंड होता है जब आदमी ध्यान में जा रहा होता है, ठीक है? तो सीधे बैठेंगे बच्चे, एकदम इरेक्ट छोरी, एकदम इरेक्ट, हाँ, और एकदम प्यारी वाली स्माइल लेके आओ। अगर आपकी और मेरी आंखें कभी मिल जाए चलते चलते ऐसे, तो एक स्माइल दे देने का तुरंत, अभी मुझे पता चल जाए हाँ सुन रहा है छोरा, समझ आ रहे हैं छोरा छोरी सुन रहा है, हाँ गुड, ऐसे ही। रसगुल्ली लिखते हैं, राधा लिमिटेड
issued 4 lakh shares. चलिए लिखिए आप, और इस लाइन का मीनिंग समझ गए आप. राधा लिमिटेड नाम की कंपनी है और इन्होंने कितने शेयर इशू किए हैं आपकी सेवा में? 4 लाख शेयर इशू किए हैं. राधा लिमिटेड इश्यूड 4 लाख शेयर्स. नो 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 नो, ये जो मेथड्स है ना, ये छोरी का क्वेश्चन ही है कि सर आपने जो मेथड्स बोले तो कितने थे. ये देखो इधर, फर्स्ट वन इज बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स एंड द सेकंड वन इज प्रो रेटा अलॉटमेंट. प्रो रेटा अलॉटमेंट. हाँ हाँ, अगर चाहो तो लिख लो, नहीं तो नहीं, कोई जरूरत नहीं. ये लिखना चाहोगे? कोई जरूरत नहीं इसका, नहीं ना? चलो सुनो सुनो, अरे कोई जरूरत नहीं, बाद में लिखा दूंगा वापस. पहले एक देखो, राधा लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, इन्होंने इश्यू किए कितने? 4 लाख शेयर्स. अब आगे लिखते हैं, एप्लीकेशंस रिसीव्ड फॉर 20 लाख शेयर्स. एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 20 लाख शेयर्स. ओके, प्रो रेटा अलॉटमेंट वॉज मेड टू द एप्लीकेंट ऑफ 12 लाख शेयर्स. प्रो रेटा अलॉटमेंट वॉज मेड टू द एप्लीकेंट ऑफ 12 लाख शेयर्स. अब लिखिए ऐप मनी. ऐप मनी 8 रुपीज और अलॉटमेंट मनी 8 रुपीज और फाइनल कॉल है 4 रुपीज और इधर फेस वैल्यू है 8 8 4. कितना आएगा? 20. और कितना आएगा? 20. 8 8 4. क्या राजा बाबू, यहां तक ठीक है? एम आई कम्युनिकेटिंग क्लियरली टू यू ऑल? अभी जरा इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से सुनो, मैं क्या कर रहा हूं बेटा. पहले एक बात समझो, जरा देगी क्या मुझे बुक? इसमें कुछ पेजेस है क्या? किसी का खाली पेजेस है क्या? है कुछ खाली पेजेस है क्या? पेजेस नहीं, और कोई नहीं, फटी हुई पेजेस. अच्छा ठीक है, दे दे, बहुत बढ़िया. और कोई बुक देगा थोड़ी बहुत? थैंक यू सो मच. दे दे दे, दे तेरी भी दे दे. ये आपको बंच दिख रहा है? ये मेरे पास इतने एप्लीकेशन आए, 20 लाख है. 20 लाख में से 8 लाख और 16 लाख, 12 लाख, 8 लाख और 12 लाख. देखो ऐसा लिखा है, राधा लिमिटेड इश्यूड 4 लाख शेयर्स, एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर हाउ मच? 20 लाख शेयर्स. प्रो रेटा अलॉटमेंट वॉज मेड टू द एप्लीकेंट ऑफ 12 लाख शेयर्स. मतलब 20 लाख एप्लीकेशन आई, 20 लाख को मैंने डिवाइड किया 2 हिस्सों में, एक कितना 12 लाख, एक कितना 8 लाख. 12 लाख जो थे उनको कहा आप कंपनी में रुकिए, आपके साथ बात करते हैं. इनको कहा आपको एक भी शेयर नहीं मिल रहा, यू आर रिजेक्टेड. समझ में आ गए? सो द प्रोरेटा अलॉटमेंट इज मेड टू 20 लाख, यू आर रॉन्ग. द प्रोरेटा अलॉटमेंट इज मेड टू 20 लाख, आप गलत हो. 20 लाख टोटल मिली थी, 20 लाख के 2 हिस्से किए, 2 में से मैंने कहा कि 12 लाख आप इधर ही रुकिए, आपको बताते क्या करना है. 8 लाख वाले एप्लीकेशन को बोला कि आप जाइए सर, आपका पैसा रिफंड. ये लाइन का मतलब यहां से समझ में आ रहा है, प्रो रेटा अलॉटमेंट वॉज मेड टू द एप्लीकेंट ऑफ 12 लाख शेयर्स. दैट लॉजिकली मीन्स 20 लाख मिले थे, उसमें से 12 लाख को प्रो रेटा हुआ है, 8 लाख स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट हुए, इनको एक भी शेयर नहीं मिला. किसको नहीं समझ आती ये बात? किसको नहीं समझ आती है? मतलब ये समझ में आया, एक पार्टी ये भी रहता है.
अब 12 लाख को कितने कंपनी मैक्सिमम दे सकती है? अरे आवाज नहीं आती, 4 लाख। तो क्या मैं कह सकता हूं 12 लाख माइनस 4 लाख सरप्लस कितना हुआ? 8 लाख। हो नहीं यार, पर सरप्लस तो 16 लाख आना चाहिए था। हाँ अरे सरप्लस तो 16 लाख आना चाहिए था। अरे बोलो ना रसगुल्लो, क्यों नहीं? क्योंकि प्रोरेटा अलॉटमेंट जितनों को हुआ वो कितने लोग थे? 12 लाख। 12 लाख को अलॉट कितना हुआ? 4 लाख। तो सरप्लस इज हाउ मच? 8 लाख। रिगेटिंग माय पॉइंट? ओके, सो सरप्लस अमाउंट कितनी है? 8 लाख इंटू रुपीज। आवाज नहीं आ रही है, यही वाली 8 ना? सो कितना? एक काम करते, इसको करते 6 और इसको भी करते 6, तो मतलब थोड़ा सा लॉजिकल रह जाएगा। 6 6। ओके कोई बात नहीं है, ले और चेंज करो, नहीं। सो 8 लाख इंटू 8, ये सरप्लस है क्या? बोलो भाई। तो कितना आ गया? 64 लाख। ये सरप्लस पैसा है। नहीं मेरे को नहीं समझो कैसा है सरप्लस, मैं समझ में नहीं आ रहा कैसा है। बताओ कितनी एप्लीकेशन मिली थी? क्वेश्चन आपने लिखा, कितनी एप्लीकेशन मिली थी टोटल? आवाज नहीं आ रही। 20 लाख में से कितनी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई? कितने को प्रोरेटा हुआ? इसका मतलब 12 लाख को कितनी मिलेगी? 4 लाख। जो रिजेक्ट हुई उनको मान सम्मान के साथ विदा करो। बचे कितने? 12 लाख। 12 लाख में से जितने अलॉट किए 4 लाख वो माइनस करो, बचा हुआ अमाउंट क्या? सरप्लस। सरप्लस कितना आया छोरी? 64 लाख। मुझे बता छोरी, अलॉटमेंट में कितने पैसे आने चाहिए थे? मैंने शॉर्टकट क्या सिखाया था? अलॉटमेंट अकाउंट कौन सा फिगर फॉलो करता है? आवाज आवाज आवाज, अलॉटमेंट अकाउंट कौन सा फिगर फॉलो करता है? नहीं नहीं, इन द ब्रैकेट अलॉटेड इनटू आईपी। तुम्हें याद है कि तुम उस एंट्री को क्या बोलते थे प्यार से? ड्यू 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 ड्यू, मतलब कितना पैसा आएगा, यही मीनिंग हुआ ना। तो कितना पैसा आना चाहिए था? क्या मैं कह सकता हूं 4 लाख इंटू 6? कौन अच्छा ईशा दर्शन? अरे 24 वो कैलकुलेशन छोड़, पहले 4 लाख इंटू 6 समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि मुझे ड्यू की एंट्री निकालनी, तो मैं क्या बोलेगा कितने लोगों से पैसा आना है? 4 लाख लोगों से। पहला गेम खेलने का अप्लाइड पर, अप्लाइड का मैं बराबर से करूंगा। सेकेंड गेम किस पर खेलने का? अलॉटमेंट। सो बेटा कितने शेयर अलॉटेड हुए? क्या मैं कह सकता हूं 4 लाख? तो मैं बोलूंगा ट्रांसफर टू अलॉटमेंट अकाउंट। बोलो ना हाँ। कितना सर? 4 लाख इंटू कितने रुपए मंगा रहे? रुपीज 6। ये 4 लाख समझ में आ रहा है? ये क्या है? अलॉटेड, मतलब जितना अलॉटमेंट में ड्यू होगा उतना। तो कितना हो जाएगा बेटा जी? 24 लाख। मां कसम कितना सरप्लस आया? 40 लाख। 40 लाख बच गया ना बेटा। 40 लाख का पैसा क्या मैं फाइनल कॉल में ट्रांसफर कर दूं क्या? अरे कर देता हूं ना। नहीं क्यों? फाइनल कॉल में कर देता हूं, क्यों नहीं कर सकता? शेयर होल्डर से पूछकर ही कर सकते हो, क्योंकि बेटा अलॉटमेंट का पैसा तभी ड्यू होता है, वो एडजस्ट हो सकता है। तो जब तक एग्जामिनेशन की प्रॉब्लम आपको क्लियरली ना कह दे दैट एनी सरप्लस ओवर एंड अबव The अलॉटमेंट मनी, मतलब अलॉटमेंट मनी एडजस्ट होने के बाद में बचा हुआ सरप्लस आप उनको रिटर्न करेंगे। अगर एग्जामिनर बोले नहीं वो एडजस्ट कर दो, तो ही एडजस्ट करेंगे। क्या तेरे को प्रैक्टिकली प्रॉब्लम समझ में ही क्या है, इश्यू क्या है? नहीं। रॉकेट उड़ा फिर क्या उड़ रहा है? धीरे धीरे उड़ा रही है। ओके मुझे एक बात बता, मैं तेरे को बोलूंगा कि मेरे को पैसे आज देना, कल देना और एक साल बाद देना, ठीक है? नहीं एक काम कर देना, तूने मेरे को है ना आज 4 लाख रुपए देना और एक साल बाद 6 लाख रुपए देना, ठीक है? तो ऐसे टोटल मिलाकर तू मुझे कितने देगी? 10 लाख। फिर बोलता हूँ क्या मैडम ऐसा क्या कर रही हो, एक साथ ही दे के ख़त्म करो ना, अभी 10 लाख दे दो। दे देगी ना? दे देना। अब ऐसे मैं तुझे बता, अलॉटमेंट का पैसा छोरी इधर ड्यू है, फाइनल कॉल का इधर ड्यू है, वो कंपनी कह रही है कि फाइनल कॉल का पैसा भी अभी इधर दे दो, तो दे देगी ना? इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जब मेरा सरप्लस था 64 लाख, ये देना था उनको,
उसमें से हमने कौन सा पैसा रखा सिर्फ अलॉटमेंट का, क्योंकि वो अभी एडजस्ट होगा. अलॉटमेंट का एडजस्ट करने के बाद में हम कुछ और एडजस्ट नहीं करेंगे जब तक कि प्रॉब्लम बोल ना दे. तो बाकी का पैसा क्या करना पड़ेगा? रिफंड. से यस. तो बेटा ये वर्किंग करके ले लीजिए, फिर हम इसकी जर्नल एंट्री करेंगे. अब यहां से प्लीज सजग रहना. हाँ या प्लीज हैव योर बुक्स, आई डोंट वॉन्ट इट. थैंक यू. प्लीज डू इट क्विकली. कौन से 8 लाख शेयर्स का? वो बताऊंगा. वो डोंट वरी, वो बताऊंगा. दैट आई विल टॉक. चलिए वो 8 लाख शेयर्स का क्या वो हम बात करेंगे, डोंट वरी. ठीक है, देखो अभी शॉर्टकट्स कैसे काम करते हैं अपने. छोकरी रेडी है तू? छोकरी रेडी? चलो. मुझे पहली एंट्री किसकी होती है मुझे याद नहीं आती. ड्यू या रिसीव्ड? माँ कसम. हाँ बस 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 वही बताते रहना, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होते रहता है. तो लिखिए बैंक अकाउंट डेबिट. यार वो इन द ब्रैकेट क्या था याद नहीं आ रहा है. अप्लाइड इनटू ऐप मनी. व्हाट इज अप्लाइड? देखो व्हाट इज अप्लाइड? 20 लाख. किसी को उसमें शक नहीं होना चाहिए. 20 लाख मैंने कहा. 20 लाख इनटू रुपीज 8. कितना प्यारा बच्चा है. टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. कैन आई से 20 लाख इंटू रुपीज 8? से यस. यस डन डन डन. अब बेटा जी नेक्स्ट एंट्री किसकी होती है? ड्यू की. बेटा जी ये देखो मैं क्या कर रहा हूं, पूरी क्लास का ध्यान इधर. इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट. एप्लीकेशन अकाउंट फॉलोज विच अकाउंट विच बैलेंस? Applied into IP. So can I say 20 lakh into rupees 8? अब जरा ध्यान से सुनो मैं क्या कर रहा हूं. बेटा शेयर कितने अलॉट कर सकता हूं मैं, इतना बता मुझे. शेयर कितने अलॉट कर सकता हूं? आवाज नहीं आ रही यार. 4 लाख. तो क्या मैं बोल सकता हूं टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कैन आई नॉट से 4 लाख into rupees 8? ये किसको समझ नहीं आ रहा है? ये मैंने क्या किया, शेयर कैपिटल को ट्रांसफर किया. कितने अलॉटेड है? 4 लाख इंटू 8 एप्लीकेशन मनी. एग्रीड? सुबेटा जी ये 20 लाख इंटू 8 कितना आ जाता है? 160 लाख. हाँ ये 4 लाख इंटू 8 कितना आएगा? 32 लाख. साला एंट्री टैली नहीं हो रही है. हाँ फेस वैल्यू दी नहीं है क्या? दिए ना, ये मैंने लेफ्ट साइड में भी लिखा ना 8 8 4 20. फेस वैल्यू 20 है ये, देखना इधर लिखा ना मैंने फेस वैल्यू. ये आपने लिखा नहीं क्या? तुम्हारे से रह गया, कोई बात नहीं. ये सुनो 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 सुनो, यहाँ तक आ गए क्या? एक बार वापस मौका दे रहा हूँ मैं आपको समझने के लिए, तो वापस ध्यान से देखिए. टोटल एप्लीकेशन कितनी है? 20 लाख. 20 लाख में से मैंने 2 हिस्से किए. प्रो रेटा एप्लीकेशन जिनको गया वो है सिर्फ 12 लाख, और 8 लाख लोगों को हमने क्या किया? रिजेक्ट. तुम्हें याद है जब मेरे पास एप्लीकेशन आई थी तब मैंने उसके 2 हिस्से किए थे. मैंने उसके 2 हिस्से किए और 2 हिस्सों में से मैंने 1 हिस्से को कहा रिजेक्टेड, और बाकी वाले लोगों को क्या कहा कि आपको कितने मिलेंगे? आवाज नहीं आ रही है. कितने मिलेंगे? 4 लाख. तो बेटा जी इसका रिजेक्टेड है तो इसका पैसा रिफंड कर दूं क्या? सो आई विल से रिफंड. अब जरा ध्यान से सुनो मैं कैसे रिफंड करूंगा. घाई मत करना आप सिर्फ देखो.
सो मैं कहूंगा टू बैंक, क्या फर्क पड़ता है अगर दो बार बैंक लिखना पड़ा तो टू बैंक, ये जाहिर सी बात है मैं कहूंगा 8 लाख × ₹8, 64 लाख तो रिफंड कीजिए, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। एग्रीड एवरीवन? पक्का छोरी? नहीं, ये देखिए यहां पर कितने एप्लीकेशन मिली थी, 20 लाख, कितनों को प्रोरेटा किया, 12 लाख, रिजेक्टेड कितना है, 8 लाख, दो हिस्से। अब जिनका रिजेक्टेड है क्या करेगी तू, विल रिफंड, सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग, आई एम रिफंडिंग द मनी। ये 8 लाख कौन से है जो रिजेक्टेड है, अब जरा ध्यान से सुनिए, ये जो 12 लाख को प्रोरेटा हुआ है, क्या पूरे 12 लाख शेयर मिलेंगे या सिर्फ 4 लाख मिलेंगे? तो क्या मैं कहूं इसमें से अलॉटेड 4 लाख, तो बेटा जी सरप्लस कितना है, 8 लाख, एग्रीड, सरप्लस इज 8 लाख, 8 लाख इंटू रुपीज 8, कैन आई से 64 लाख? बेटा मुझे बताओ मैंने आपको क्या सिखाया, सरप्लस का पैसा कहां पर एडजस्ट कर सकते हो, अलॉटमेंट, कुछ नहीं बोला है, तो प्रोरेटा अलॉटमेंट में सरप्लस का पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट कर सकते हो, इसके पीछे लॉजिक ये है बिकॉज दोनों का रिसीवेबल डेट सेम है, एक ही तारीख को होता है। देखो मैंने बोला शेयर अलॉटेड, तभी आपका अलॉटमेंट मनी भी ड्यू हो गया, तो सरप्लस पैसा उसी दिन देने वाला था, अलॉटमेंट का पैसा भी उसी दिन ड्यू होने वाला था, हाँ या ना? तो वो पैसा एक्सेस आप रख सकते हो, कितनी अमाउंट तक, अलॉटमेंट के अमाउंट तक। तो बेटा अलॉटमेंट के अमाउंट कितनी ड्यू होगी मुझे बताओ, उस आदमी को कितने शेयर अलॉट हुए थे, 4 लाख, तो क्या मैं नहीं कह सकता 4 लाख इंटू रुपीज 8? अरे हाँ, नहीं जरा देखो अलॉटमेंट के पैसे कितने हैं, अच्छा मैंने देखा नहीं, एक सेकेंड, 6 है क्या, अच्छा 6, ओहो इधर ये 6 करना पड़ेगा ना, और ये भी कितना करना पड़ेगा, 6, ठीक है। सो अलॉटमेंट का पैसा कितना बेटा, 6, तो बेटा 4 लाख × 6 कितना हो गया, 24 लाख, एग्रीड। बचा हुआ बैलेंस क्या करोगे, रिफंड, से यस, कितना रिफंड कर दोगे, 64 − 24 लाख, आवाज नहीं आ रही है, 40 लाख इज रिफंडेड। चिंता मत करो, हम वर्किंग नोट और एक बार करेंगे, और वर्किंग नोट जितनी बार आप करोगे बोलते बोलते आपको समझ में आने लगेगा। मुझे बताइए कितनी एप्लीकेशन टोटल मिली, अब बताइए, आवाज नहीं आ रही, 20 लाख, तो आप इतना तो कर पाएंगे ही कर पाएंगे। इसमें के दो पार्ट बेटा, कितनों को प्रोरेटा हुआ और कितने रिजेक्ट हुए, रिजेक्ट कितने हुए, 8 लाख, प्रोरेटा कितने को हुआ, 12 लाख। सो बेटा जी मुझे बताइए अलॉटेड कितने है, 4 लाख, तो इसका मतलब सरप्लस कितना हुआ, 8 लाख। मैंने आपको क्या सिखाया, सरप्लस का पैसा कहां पे ट्रांसफर हो सकता है, अलॉटमेंट, ये एप्लीकेशन बनी है ना, सरप्लस का पैसा निकालते हो, अरे हाँ नहीं, एप्लीकेशन का पैसा सरप्लस में है, कितना है, 64 लाख, मैं कहां पे एडजस्ट करता हूं, अलॉटमेंट, अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी एडजस्टेड कितना, कैन आई से 4 लाख × ₹6 कितना बच गया, कितना, 40 लाख इज अगेन व्हाट, रिफंडेड। तो बेटा इधर भी रिफंडेड था, 8 लाख × ₹8, ये क्या है, रिफंडेड, से यस। सो बेटा टू बैंक और 40 लाख आएगा क्या, ये देखो मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, टू बैंक 8 लाख × ₹8 और फिर वापस टू बैंक बोला 40 लाख, एग्रीड, और टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आई विल से 4 लाख × ₹6, 24 लाख, बूम बल्ला। लिखने में महारत हासिल मत करो, समझ कर बताओ, पहले एक बार देख तो ले इक्वेशन टैली हो रही क्या, मतलब 160 लाख से मैच हो रहा है क्या, हो रहा है, तो क्या क्या जादू टोना किया, अब मैं पूछना पड़ेगा किसी को, कि जो जो जिनका लिख कर हो गया उनको पूछना पड़ेगा। यस दीप्ति आप बताइए मुझे क्या हुआ है, नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि या तो तुम समझो, मेरे क्लास में समझना पड़ेगा, मतलब समझना पड़ेगा। नलायक हाँ ओके, 20 लाख का एप्लीकेशन आया था,
हाँ गिवन प्रोरेटा 12 लाख गिवन, 8 लाख रिजेक्ट किए, बिल्कुल सही, इनटू ऐप मनी। वो पैसा क्या करना पड़ेगा? रिफंड। ये बात समझ में आई क्या बेटा? अगर आप सोच रहे हो उतना ही पैसा रिफंड करना है तो आप गलत हो, और भी कहीं से पैसा रिफंड हो सकता है। वो कहां से? बचे हुए कितने एप्लीकेशन, बचे हुए कितने? 12 लाख। 12 लाख में से फिर कितने अलॉट हुए? 4 लाख। सरप्लस कितने बचे? 8 लाख। 8 लाख इंटू व्हाट? 8। उतना पैसा आया क्या एक्स्ट्रा? कितना? 64 लाख। अब ये पूरा रिफंड नहीं करना है, इसमें से पैसा एडजस्ट कहां पे कर देंगे? अलॉटमेंट। कितना एडजस्ट किया अलॉटमेंट में? आवाज नहीं आ रही है। 24 लाख। ये कैसे निकाला? 4 लाख इंटू 6, 4 लाख इंटू 6, तो 24 लाख। अभी 4 लाख क्या? जो अलॉटेड। 6 क्या? अलॉटमेंट मनी। और बचा हुआ पैसा क्या करना पड़ेगा? रिफंड। तो अगर रिफंड करना पड़ेगा, पैसा जब आता है तो हम क्या करते हैं? अरे याद नहीं आ रहा, पैसा आता है तब हम क्या करते? डेबिट। डेबिट कैश ऑब्लिक बैंक को डेबिट। जाता है तब क्या करते? क्रेडिट। तो दो जगह पे रिफंड दिख रहा है क्या आपको? एक दो, एक दो दिख रहा है क्या? ये ऊपर कौन सा है जो डायरेक्टली 8 लाख एप्लीकेशन है, 64 लाख, और इधर कितना है? 40 लाख। सो टोटल रिफंड कितना है? कैन आई नॉट से 104 लाख? यस 104। ये दोनों रिफंड है ना? से यस। टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना जाएगा? 4 लाख इंटू 8, 32 लाख। एग्रीड। और टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, मतलब जो पैसा एडजस्ट किया वो कितना है? 4 लाख इंटू 6। ये पैसा कौन सा है? एडजस्टेड। अब ये बैंक कंबाइन कर सकते हो क्या आप? यस। चलिए कर लिख कर रखिए। नुपुर, अलॉटमेंट के सारे पैसे मिल गए क्या? बेटा अलॉटमेंट के सारे पैसे मिल गए क्या? पीछे वाला बच्चे, अलॉटमेंट के सारे पैसे मिल गए क्या? किसको समझ नहीं आ रहा कि अलॉटमेंट के सारे पैसे नहीं मिले? मिल गए ना? कहाँ पे मिले? जब हमको एप्लीकेशन का सरप्लस था उसमें से हमने किसके पैसे एडजस्ट कर दिए? अलॉटमेंट। जिस व्यक्ति ने अलॉटमेंट के पैसे ऑलरेडी एडजस्ट करा दिए, वो पैसा वापस देगा क्या अलॉटमेंट के? वो वापस पैसा नहीं देगा। एग्रीड। बेटा जी मुझे नेक्स्ट एंट्री बताइए, थर्ड वाली एंट्री। किसकी एंट्री होती है? नहीं नहीं नहीं, एंट्री किसकी होती है? ड्यू की। ड्यू की एंट्री कैसे होती है जरा बताइए, आवाज नहीं आ रही है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इन द ब्रैकेट बोलो, इन द ब्रैकेट क्या? अलॉटेड इनटू आईपी। व्हाट इज अलॉटेड? व्हाट इज अलॉटेड? 4 लाख, वेरी गुड। इनटू आईपी, व्हाट इज आईपी? 6, कितना? 24 लाख। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 4 लाख इंटू 6, कितना? 24 लाख। एग्रीड। बेटा जी, बेटा जी अलॉटमेंट के पैसे आ चुके हैं क्या? क्या वापस आएंगे क्या? नहीं। तो रिसीव्ड की एंट्री करोगे क्या? नहीं। और मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, चेक कर लो, अलॉटमेंट का बैलेंस 0 दिख रहा है क्या? आफ्टर एंट्री नंबर 3 अलॉटमेंट का बैलेंस 0 है, क्योंकि अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट किया था, रिसीवेबल है। वही एंट्री ऊपर की एंट्री में चेक कीजिए, क्रेडिट हुआ है अलॉटमेंट को, उसका बैलेंस 0 है, मतलब अलॉटमेंट का पैसा आ चुका। ये देखो, ये डेबिट और ये क्रेडिट। प्रॉब्लम के साथ बात करो, मैंने कहा अलॉटमेंट का पैसा और एक बार आएगा क्या? नहीं। क्योंकि अगर तुमने दिमाग में फीड कर रखा है ये चीज कि अलॉटमेंट की पहले ड्यू की एंट्री होती है, तो ड्यू तो करना पड़ेगा, मगर रिसीव्ड की एंट्री अगर आप पूछोगे दिल से तो आपका आंसर आएगा नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। क्या मेरी बात से सहमत हो आप? पक्का? अब मुझे एक बात बता बेटा, फाइनल कॉल का पैसा आ चुका है क्या? तो बताओ मुझे, फाइनल कॉल के रिसीव्ड की एंट्री करोगे क्या? नहीं, हाँ या ना? फाइनल कॉल के रिसीव्ड का, फाइनल कॉल का पैसा आ चुका है क्या? हमने एडजस्ट किया है क्या? नहीं। अगर एडजस्ट नहीं किया तो अब पैसा मंगाएंगे तब वो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो बताओ मुझे एंट्री क्या होगी? ड्यू की, फोर्थ एंट्री, वेरी गुड। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कितना आएगा बेटा जी? 4 लाख इंटू रुपीज 6।
टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये तो ड्यू के एंट्री 4 लाख इंटू रुपीज 6 कितना आएगा 24 लाख, 24 लाख। क्या बेटा जी ये पैसा आया है क्या? नहीं। ये पैसा आएगा क्या अभी? यस। तो बेटा जी कितना आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, बोलो कितना है? 4 लाख इंटू 6, 4 लाख इंटू 6 कितना आएगा? ऑलराइट, यस। नहीं भाग कर रहे हो, मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है आप तभी स्पीड पकड़ पाते हो कोई भी चीज अगर उसके लॉजिक्स क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। और जो मैं बात कर रहा हूं आपके साथ में कि पैसा मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ये सब चीजें क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। तो देखो अभी रिवाइज कैसे करेंगे हम इसी प्रॉब्लम को। पहली एंट्री किसकी होती है? रिसीव्ड या ड्यू? रिसीव, फिर ड्यू, फिर ड्यू, फिर रिसीव, फिर ड्यू, फिर रिसीव। तो अब मैं इनके ग्रुप बनाता हूं। ग्रुप, ग्रुप समझते हो? ग्रुप, पहला वाला ग्रुप बनेगा एप्लीकेशन, दूसरा वाला ग्रुप बनेगा अलॉटमेंट, फिर बनेगा फाइनल कॉल। ओके, मुझे एक बात बताओ, एप्लीकेशन के वक्त सरप्लस पैसा मिला तो कहां पे एडजस्ट होता है? अलॉटमेंट। पक्का? पहले एंट्री होती है रिसीव्ड की, बात सीधी सिंपल है, अप्लाइड इनटू ऐप मनी, बात खत्म। फिर जो पैसा आया है उस पैसे को हम कहां कहां पे ट्रांसफर कर सकते हैं, जरा सोचना। सो देखो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अलॉटेड इनटू फेस वैल्यू टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसका मतलब क्या? जो पैसा हमने अलॉटमेंट में क्या किया है? एडजस्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जो पैसा हम एडजस्ट नहीं कर सकते उस पैसे का क्या करना पड़ेगा? रिफंड लेके जाओ ऑफिस। सो ये एंट्री अब समझ में आती क्या? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू बैंक, जो टू बैंक बोल रहा हूं वो क्या? रिफंड। एग्रीड? और जो मैं टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट बोल रहा हूं वो क्या? एडजस्टेड। एडजस्टेड करने का रूल एकदम सिंपल है। कितने मिले? मान लो 25 लाख, 25 लाख में से प्रोरेटा हुआ 20 को, 25 लाख में से प्रोरेटा हुआ 20 को, मुझे एक बात बताइए रिफंड कितने को करूं? 5। तो ये दो हिस्से करने आते क्या? 5 लाख तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्टेड, हाँ या ना? प्रोरेटा हुआ 20 लाख को, 20 लाख को प्रोरेटा हुआ और उनको मिले 15 लाख, तो सरप्लस कितना है? तो कहना है इससे, यहां से 15 लाख माइनस 5 लाख सरप्लस आया। सरप्लस इनटू ऐप मनी, मान लेते 10 रुपए, कितना आया? 50 लाख। मान लेते अलॉटमेंट में एडजस्ट करने हैं 30 लाख, तो बेटा जी रिफंड कितना होगा? 20 लाख। क्या ये वर्किंग नोट समझ आती है? पक्का? सो रिफंड अगर एक्चुअली में बोलूं ये 20 लाख और इधर का जो आएगा वो दोनों रिफंड है क्या? अरे हो नहीं, दैट्स इट। तो बेटा जी पहली चर्चा अपनी हुई इसके बारे में, एप्लीकेशन, फिर उसका सरप्लस पैसा मैंने कहां पे ट्रांसफर कर दिया? अलॉट, अलॉटमेंट के वक्त आप पहली एंट्री किसकी करते हो? ड्यू की। ड्यू की एंट्री हमेशा जैसे करनी है वैसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। एडजस्टमेंट हुआ भी होगा तो ड्यू की एंट्री पूरी करो। क्या एंट्री होती है? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, वॉट एवर। एग्रीड? बेटा जी अगर पूरा पैसा पहले ही मिल चुका है तो क्या आप वापस पैसा मिलेगा क्या? बोलो हाँ। क्लियर ना बेटा? मगर अगर कुछ नहीं बोला है तो क्या हम सरप्लस पैसा फाइनल कॉल में एडजस्ट कर सकते हैं क्या? अगर कुछ नहीं बोला है तो क्या हम सरप्लस पैसा फाइनल कॉल में एडजस्ट कर सकते हैं क्या? नहीं। तो फाइनल कॉल के वक्त कौन सी एंट्री होगी? ड्यू, और उसके बाद में कौन सी? रिसीव। फाइनल कॉल का मैंने पूछा पैसा मिला है क्या, तुमने कहा नहीं, तो अभी मिलेगा क्या? यस। सो अपने प्रॉब्लम को एकदम अच्छा दोस्त बना लो एंड देन द थिंग्स आर इजी। क्या सभी को प्रोरेटा अलॉटमेंट का एक छोटा सा पार्ट समझा क्या? होता कैसे? एग्रीड? ओके लवली पीपल, लेट्स कैच अप अगेन डे आफ्टर टुमारो ऑन मंडे। कब? मंडे। टुमारो यू हैव एन हॉलीडे, ठीक है? चलो प्यार से बाय बोलो।